स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मेरा एंड्रॉयड मोबाइल जो 9 था, अब एंड्रॉयड 10 में अपडेट हो चुका है। क्या क्या इसमें चेंजिंग हुए हैं, ये इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला चेंज जो सामने आपको आइकॉन शो हो रहा होगा, ये इसको आप चेंज कर सकते थे, बट अब नहीं कर सकते। चेंज पहले आप कैसे कर सकते थे, होम स्क्रीन पे लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस कीजिए, फिर होम सेटिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आइकॉन शेप का ऑप्शन देता रहा, जो कि अब हटा दिया गया है। सेकंड ऑप्शन है जो आप नोटिफिकेशन बार में जो मेनू ऑप्शन रहते हैं, आइकॉन रहते हैं, उसका भी शेप चेंज कर दिया गया है। इसको भी आप बदल नहीं सकते, ठीक है। और उसी के साथ आप बैटरी का भी आइकॉन देख सकते हैं, ये भी इसमें भी थोड़ी सी परिवर्तन कर दिया गया इसके लेआउट में। अब नेक्स्ट अपडेट क्या हुआ है, मतलब नेक्स्ट चेंजिंग क्या हुई है, सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको सीधा हम डिस्प्ले में ले चलेंगे और फिर डार्क थीम। यहाँ पे डार्क थीम का ऑप्शन दे दिया गया है, जहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो आपका जो थीम होगा डार्क थीम में अप्लाई हो जाएगा। बट कुछ कुछ ऐप्स जब हम ओपन करेंगे तो हमको डार्क थीम का चेंजिंग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये देख लेते हैं, क्योंकि बाद में देखेंगे। अभी मैं व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ। व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद यह मैं डार्क थीम अप्लाई किया हूँ अपने मोबाइल पर, बट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए मैं किसी को SMS करता हूँ, मैसेज किया, ये वही वाइट थीम दिखाई दे रहा है, यानी कि लाइट थीम दिखाई दे रहा है। अब मैं किसी गूगल प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, जैसे कि जीमेल, इसको मैं ओपन किया तो ये गूगल का प्रोडक्ट है और ये डार्क मोड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि डार्क मोड ने इस पर सपोर्ट, मतलब कि ये ऐप जीमेल का ऐप डार्क मोड को सपोर्ट करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऐप डेवलपर होते हैं वो डार्क मोड को सपोर्ट करने वाला कोडिंग करेंगे, तब जाके सपोर्ट करेगा। बट ये डार्क थीम अभी सभी ऐप्स पे काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी ये अपडेट का तो शायद कुछ फ़ायदा ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला। नेक्स्ट अपडेट क्या है, नेक्स्ट अपडेट के लिए आपको सिस्टम में जाना होगा। सिस्टम में जाने के बाद गेस्टर में क्लिक करना होगा और वहाँ पर आप सिस्टम नेविगेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा गेस्टर नेविगेशन का। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, तो जो नेविगेशन बार में था, बैक बटन या रिसेंटली आइटम, कुछ भी नहीं है, सब हटा दिया गया। अब इसमें क्या ऑप्शन दे दिया गया, जब भी आपको बैक करना है या रिसेंटली आइटम ओपन करना है, तो अभी चलते हैं होम स्क्रीन पे। अब मुझे रिसेंट आइटम ओपन करना है, तो मैं स्वीप करूँगा धीरे धीरे, तब ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिसेंटली आइटम का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब यदि आप किसी भी तरह के ऐप को ओपन किए हैं, गूगल क्रोम मान लीजिए मैं ओपन किया हूँ, अब मुझे किसी भी कुछ 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 सर्च करना है, कुछ सर्च करता हूँ, यहाँ पे ऑफलाइन हूँ, डाटा ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा, हेलो, तब रिजल्ट तो शो हो गया, लेकिन बैक करने के लिए बटन नहीं है। तो बैक करने के लिए आपको राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट स्विप करना होगा। जैसे अभी मैं लेफ़्ट से राइट करूँगा तो एक एरो का निशान आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बैक हुआ कि नहीं। ये देखिए, जैसे बैक किया, मतलब लेफ़्ट से राइट की ओर किया, तो ऑटोमेटिक बैक हो गया। अब राइट से लेफ़्ट की ओर करूँगा तो भी बैक हो जाएगा। इस तरह से आप बैक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट क्या था, ये भी आप देख लीजिए। इसके लिए आपको सिक्योरिटी पे ले चलता हूँ मैं। सिक्योरिटी में आप इस तरह से आएंगे और यहाँ पे जब एडवांस में आप क्लिक करेंगे, सॉरी सिक्योरिटी में नहीं, आपको चलता हूँ मैं ले चलता हूँ प्राइवेसी में। अब प्राइवेसी में आप जब आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, शो पासवर्ड। जब आप किसी भी तरह का पासवर्ड एंटर करते हैं तो जो कैरेक्टर प्रेस होता है वो दिखाई जाता है, दिखाई दे जाता है। वो दिखाई ना दे, इसके लिए मैं आपको एक डोमेन दे देता हूँ। हम होम स्क्रीन पे चलते हैं। अब मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखता हूँ, पासवर्ड जैसे कि मैं लिखता हूँ सुनील, स्पेलिंग लिखा रहा है, और मैं कीबोर्ड में जब कुछ प्रेस करता हूँ तो वो भी शो दिखाई देता है, शो होता है। अब ये शो नहीं होगा तो इसके लिए ऑप्शन बनाया गया है ये वाला। अब मैं इसको डिस्प्ले कैरेक्टर वेरीफाई या सी टाइप, इसको ऑफ कर देता हूँ। अब
वापस से अपन चलते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कुछ भी इंटर करता हूँ, टाइप करता हूँ एस, सॉरी एक बार इसको क्लोज कर देते हैं, वापस से ओपन करते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ, तो जो आप कीबोर्ड में दिख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे जो लिखते रहे अपन, जहाँ पे पासवर्ड एंटर हो रहा है वहाँ पे किसी भी तरह का स्पेलिंग या अक्षर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही काम है बस इस ऑप्शन का। तो मैं इसको वापस से ऑन कर देता हूँ, आप इसको ऑफ करके रखेंगे तो शो नहीं होगा। तो यही कुछ नए अपडेट थे, और भी कुछ मुझे भविष्य में पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।